कोटा में रहने वाली एक स्टूडेंट की कहानी, जो घर से दूर है और अकेलेपन से चूर है, जो अपनेपन की खोज में है और शायद कहीं ना कहीं खुद की भी तलाश में है। जब हम अपने घर से दूर, कहीं बहुत दूर होते हैं, तो शायद हम खुद से भी कुछ दूरी महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है, काश कोई हमें यहाँ अपना मिल जाए, जो हमें समझे, हमारी बातों को अपने जहन में कुछ इस कदर उतारे कि हमें महसूस ही नहीं कराए कि हम अकेले हैं। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बात है उन दिनों की जब मैं एक स्टूडेंट थी, और इस एहसास के साथ कि काश कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे समझे। हाँ, दोस्त तो बहुत मिले, पर कोई दिल के इतने करीब नहीं आया। लेकिन मुझे भी क्या पता था कि मेरी ये मुश्किल एक क्लास में जाकर हल होने वाली है। जी हाँ, मेरी ही क्लास के एक टीचर, जो मेरे जहन में कुछ इस कदर उतर गए कि मैंने उनमें ही अपना हम सफ़र देख लिया। टीचर जो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं आँखों में बिना देखे, उनकी तारीफ के लिए क्या ही शब्द, उनसे प्यार ही हो गया शायद। इतना सब होने के बाद आखिर एक दिन मैंने डिसाइड कर ही लिया कि मैं इन्हें सब जाकर बोल दूंगी, बता दूंगी। और आया फरवरी का मंथ, दिन था रोज डे का। मैं उनसे कुछ कहती कि उसके पहले ही मैंने उनका स्टेटस देख लिया। व्हाट्सएप स्टेटस में उन्होंने हैप्पी रोज डे का स्टेटस लगाया था। मेरा भी दिल नहीं माना, मैंने भी पूछ ही लिया, ये रोजेस किसके लिए? सर ने भी क्लास में मुस्कुरा कर जवाब दे दिया, किसी के लिए नहीं, ऐसे ही। खैर भाई, अपना तो सही था, क्योंकि एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि अपना रास्ता क्लियर है, क्योंकि सर कमिटेड नहीं है, तो अपना चांस तो है। फिर क्या था, शुरू हो गई कोशिश, और कर डाला एक दिन अपने दिल का हाल बयान उनके सामने। लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू हुई, जब ये पता चला कि हम सिर्फ उम्र में ही नहीं, जात में भी अलग हैं। जी हाँ, मैं ठहरी हिंदू और वो ठहरे मुस्लिम। उन्होंने सारी परेशानियां गिना डाली कि कैसे वो मुझे अपना नहीं सकते, कैसे वो मेरा साथ नहीं दे सकते, दुनिया भर की बातें। खैर कोई नहीं, हम भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, हमने भी कहा ठीक है, सारी शर्तें मंजूर हैं, जो भी शर्तें हैं आपकी, मुझे तो बस पल दो पल का साथ चाहिए आपका। और फिर बातें शुरू हुई, हमने बहुत सारे वक्त साथ बिताए, प्यार हुआ, सिलसिला और आगे बढ़ा, और एक वो दिन आया कि वो रखने वाले खुद की ही शर्तें एक दिन खुद ही भूल गए और बस मेरे हो गए। अब वो नवरात्रि हो या रोजा, बस एक जैसा लगता था। वो दरगाह हो या मंदिर, अब बस ईश्वर दिखता था। देखते देखते एक साल हो गया, हमने बहुत अच्छा वक्त बिताया और ऐसे जज्बात साझा किए जो शायद ही वो पल कभी दोबारा आए जिंदगी में। एक दिन यूं ही उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया, मैं परेशान हो गई और मैंने मना कर दिया। और सच पूछूं तो मना करने के बाद रोई भी मैं बहुत, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था शायद मेरे दिमाग में। फिर मैंने खुद को और उन्हें भी समझाया कि फैमिली इश्यूज हैं, हमारे रिश्ते को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये बोलकर मैं भी बहुत रोई और वो भी। कुछ वक्त बीता, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश की, फिर भी प्यार कम नहीं हुआ। और कमाल की बात यह है कि उसके बाद भी ही जस्ट गेव मी फ्रीडम, ही सपोर्टेड मी, ही नेवर जज्ड मी, एंड ही जस्ट लव्ड मी, ही लव्ड मी अ लॉट। और देखते देखते वो दिन आया कि उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई। उन्होंने सबसे पहले मुझे ही बताया और कहा, आपसे हम दोनों बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं किसी और के साथ एक नए रिश्ते में बंधने जा रहा हूँ, और मैं इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं कर सकता।
सच बताऊं तो उस दिन से उनके लिए मेरे दिल में इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। खुशी हुई ये जानकर कि एक खुदा के बंदे से इश्क किया था मैंने, और जो मेरा प्यार है उसे मंजूरी खुदा के घर से मिली थी। सही पूछो तो एक लड़की के लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता कि वो जिससे वाकई जिसके साथ थी या जिससे प्यार करती थी वो वाकई उसके साथ था। वो उस रिश्ते को पूरे दिल से निभा रहा था। वैसे मैं जानती थी कि वो मेरे नहीं हो सकते। मैं ये भी जानती थी कि उनसे रिश्ता तोड़कर बहुत तकलीफ होगी, पर मैं वो सारी तकलीफें अपना कर वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ। पर ये रिश्ता ही बहुत अजीब है, उन्हें भुला ही नहीं पा रही। उनसे दूर जा चुकी हूँ, सारे रिश्ते ख़त्म कर चुकी हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बस बस एक बार बात हो जाए। उन्हें भी ऐसा लगता होगा क्या?